प्रेमियों एक बात का ध्यान दे देना, ये शीश ये दरबार हजारों बार लगते होंगे आपके दिल्ली में, मगर जितनी बार भी लगा है ना तो सबका काम इसने किया है। दरबार लगने से पहले ये सोचा जाता है बागा कितने का आया है, दरबार कितने का आया है, मगर जब दरबार लग जाता है तो यही कहा जाता है दरबार किसने सजाया है और बाबा कहां से आया है, बाबा कैसे आया है। तो मेरी गुजारिश आपसे, ऐसे ही मत समझ लेना कि लग गया है, इसने ठाना है तो लगा है। मेरी गुजारिश, जो भी आपको काम करवाना हो, 10 मिनट देता हूं आपको, बाबा के सामने अरदास रख देना, काम की गारंटी हमारी है साहब। जरा एक बार बाबा के दरबार में जोरदार जयकारा लगा दो, बोलो शीश के गाने की। हरे का तू है सारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहां जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहां जाए। लगा लो अरदास, उठा लो जरा जरा हाथ और कह दो, हरे को है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, अपने तुझको है पुकारा। ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ मौरवी नंदन है, बोलिए मौरवी नंदन की। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बरबरी भोलेनाथ को मनाने। एक बार भोले तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए तीन बाण धारी की। तीन बाण धारी महिमा अति भारी, तीन बाण धारी महिमा अति भारी। जब शक्ति आई, जब धन आता है तो उसका इस्तेमाल करने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो उसका भी इस्तेमाल करने का मन आता है। मन में आया महाभारत के युद्ध में भाग लिया जाए। माँ के पास गए कि माँ मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा
सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास होगी, पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। जाने के लिए कहा, मगर जाने से पहले दो वचन ले लिए। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा। दूसरा वचन, रस्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा, दे देगा। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम लीले घोड़े का आशीर्वाद लीले घोड़े का आशीर्वाद खाटू वालों सावरी ओ लीले घोड़े का आशीर्वाद खाटू वालों सावरी ओ। दुर्योधन ने देखा, भीष्म ने देखा, मगर किसी को समझ नहीं आया। मगर जैसे ही अर्जुन ने देखा, उसको लगा कि इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। माधव जाओ देख कर आओ ये कौन है। कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण कर। बोले बर्बरीक कहां जाते हो। बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है। बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले ऐसी कौन सी शक्ति है जो युद्ध में लड़ने जा रहा है। बोले प्रभु आज्ञा कीजिए, जिसे महाभारत का रण कहते हो, मेरे तरकश में तीन बाण है, एक ही बाण से पूरे युद्ध का निर्णय कर दूंगा, आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखा क्या से करेगा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया मृत्युंजय पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए। ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने बोला प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे। बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ का वचन देकर आया हूँ, हरे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। छलिए ने छल यहाँ कर दिया, ये किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया, किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरीक ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा, बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, हे महाभारत के महानायक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान सिर्फ तीन महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसमें युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसमें युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने निकाली तलवार, प्रभु शीश दान में दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है
वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए और मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माँ का शीश कटान मुरली वाले ने, माँ का शीश कटान मुरली वाले ने, हर बरबरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खांडू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दे दिया। कहने लगे, योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को ऊंची चोटी पर रख दिया और अमृत पिलाया। जब युद्ध खत्म हुआ, जैसे हम करते हैं, अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, गलत हुआ तो पीतमपुरा वाले चाचा जी करके गए थे। यही बात पांडवों के साथ थी। अगर बरबरीक ना होते तो पांचों पांडव भी ना बचते। क्यों? क्योंकि अहंकार के मारे वो आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। क्यों? मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, उठा लो जरा दोनों हाथ मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास। सब गए, बोले गिरधारी बताओ युद्ध किसने जिताया। कन्हैया बोले, पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले प्रभु, इसका निर्णय कौन करे? तब कन्हैया बोले, एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम पांचों पांडव और मैं झोली पसार कर, चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश, उठा लो जरा दोनों हाथ। गए, आवाज लगाई गई, ताली बजाना गया। जो खाटू जाते हैं वो बजाना, जिनको बाबा ने दिया वो ताली बजाना। इस दरबार में ना जाने किसकी ताली से किसका काम बन जाता है। बताओ बरबरीक, युद्ध किसने जिताया। बरबरीक बोले, पांडवों किस चीज का घमंड करते हो, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुरली वाले का सुदर्शन चक्र छत्रा दिखाई दिया। मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, तुम तो कहीं थे ही नहीं। ये बात मुरली वाले को इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया, सुनना, जा बरबरी, जो मैंने तुम्हें अमृत पिलाया है, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगी और मेरा श्याम नाम तुझे देता हूं। कोई श्याम पुकारेगा कलयुग में तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। और जा, जो वचन तूने अपनी मां को दिया था, हारे का सहारा, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसको हरा नहीं पाएगी। और जा, तूने तेरी मां को वचन दिया था, जो कुछ भी कोई मांगेगा तू इनकार नहीं करेगा। तेरे दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहली बार तेरी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर पाकर जाएगा। प्रेमियों, जमा कर देख लेना, दरबार साचा है, दरबार पे वहम मत करना, अपने आप पे अहम मत करना। उठा लेना जरा दोनों हाथ और ताली बजा कर कह देना एक बार, ओ हारे के सहारे राजा।
बाबा तू नए नए भक्तों की तो झोलियां भरता जा रहा है और पुराने भक्तों को तरसा रहा है, ये तो बात अच्छी नहीं है। आप दिलदार हो, आपको दुनिया लखदातार कहती है और लखदातार वो होता है जो नयों को तो देता ही है, पुरानों का भी हाथ पकड़ के रखता है, उसको छोड़ता नहीं। आपके ना जाने कितने भगत हैं जो ना जाने कितने भक्तों को खाटू लेकर गए, वो जिनको लेकर गए उनका तो काम कर दिया, उनका क्या कसूर था जो लेकर गए, उनको पीछे रख लिया। आज आपको दुहाई है, उन भक्तों का काम भी करना पड़ेगा जो सदैव आपको बोलते रहते हैं कि बाबा क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। अगर हम गलतियों के पुतले हैं तो आप तारणहार भी हो, और जब हम अपनी गलती मान सकते हैं तो आप हमें तार भी सकते हो। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। कल परसों जयपुर कीर्तन किया, करते ही एक महिला भागती हुई आई। मैं जैसे गाड़ी में बैठने लगा बोली भैया एक सेकंड। मैं बोला हाँ जी। कहती भैया 20 साल हो गए खाटू निशान ले जाते हुए, 20 साल पहले डॉक्टर ने कहा था हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा नहीं तो मर जाएगी 15 दिन के अंदर, लेकिन भैया 15 दिन बाद 11 थी, किसी ने मुझे कहा निशान ले